मुझे नहीं पता था कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे आऊंगी तो मुझे अपनी श्योरिटी देनी पड़ेगी कि मैं फीमेल हूँ, इस बात की भी मुझे श्योरिटी देनी पड़ेगी। मेरे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है इस टाइम, क्योंकि मैंने अपनी जॉब जस्ट बिकॉज मैंने अपनी डॉटर के लिए छोड़ दी है, क्योंकि मैं मास्क नहीं हटा सकती फैमिली के लिए, अपने हस्बैंड के साथ के लिए, अपनी बेटी के अपनी बेटी की टेक केयर के लिए मुझे ये सारी चीज़ें करनी है। मैं आपकी सिर्फ हेल्प करना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग एकदम अच्छे होंगे। और आज मैं कोई टॉपिक नहीं लेकर आई हूँ और ना ही मैं आपको दुबई से रिलेटेड कोई भी वीडियोस बताने आई हूँ। मैं सिर्फ आज इतना बताने आई हूँ जो मुझे अभी 3-4 दिन में मुझे जो फील हुआ है, मुझे लगा है कि मैं ये जो वीडियोस बना रही हूँ वो मतलब क्या बोलूँ मैं, किन अल्फाज में बोलूँ, कि कुछ लोग हैं जो कमेंट्स कर रहे हैं इस चीज़ से रिलेटेड कि आपको ये मास्क हटाना चाहिए और अगर आप मास्क नहीं लगाएंगी तो आपको व्यूज़ नहीं मिलेंगे। और एक हैं उन्होंने बोला कि ये मास्क वास्क ये सब कुछ साइड में रख के आना पड़ेगा, वरना जो है आप यूट्यूबर नहीं बन पाएंगी। तो मैं यूट्यूबर नहीं बनने आई हूँ मैं यहाँ पर, मैं कोई बहुत बड़ी यहाँ पे स्टार बनने नहीं आई हूँ। मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ जो भी मुझसे जुड़े हैं, और माशाल्लाह जितने लोग मुझसे जुड़े हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे मेरे सब्सक्राइबर हो चुके हैं, जो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो बस ये है कि मैं उन लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहती हूँ कि दुबई कैसा शहर है, दुबई में किस तरीके से आप लोग सर्वाइव कर सकते हैं, दुबई में आप किस तरीके से जॉब ले सकते हैं। दैट्स इट। मैं इससे ज़्यादा यहाँ पर किसी को भी कुछ और मैं नहीं कर रही हूँ यहाँ पर। मैं सिर्फ उन लोगों की हेल्प कर रही हूँ जो वाकई में नीडी हैं, जिनको वाकई में जॉब चाहिए हैं। क्योंकि एक वक्त मेरे साथ भी ऐसा आया था जब मैं भी सर्वाइव कर रही थी इन सारी चीज़ों से रिलेटेड, जब मुझे कोई भी गाइडेंस देने वाला नहीं होता था, जब मैं कमेंट करके किसी से पूछती थी कि मैम या सर कि आप मेरी हेल्प कुछ करेंगे, आप मुझे बता दें, एटलीस्ट मुझे कुछ बता दें, जो मेरे माइंड में थोड़े बहुत सवालात हैं वो मुझे उसके बारे में कुछ बता दें, बट कोई मुझे हेल्प नहीं करता था। तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर अगर जितनी हेल्प कर सकती हूँ, क्योंकि जो मैंने सर्वाइव किया है, मैं नहीं चाहती कि वो लोग भी सर्वाइव करें मेरी तरह, और मुझसे कुछ उम्मीदें लगा रहे हैं जानने की, मुझसे कुछ उम्मीदें लगा रहे हैं दुबई से रिलेटेड, क्योंकि वो यहाँ पे फिजिकली नहीं है। तो वो लोग चाहते हैं कि हाँ अगर यहाँ पर कोई फिजिकली है तो अगर उसको इन्फॉर्मेशन पता है तो वो हम तक पहुँचाए या हमारी बात सुन। तो कोई वहाँ पर ऐसा इंसान हमारे लिए होना चाहिए जो हमसे बात कर सके, जो हम तक एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुँचा सके। और मे बी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं बिल्कुल ही एक्यूरेट हूँ, कोई भी इस दुनिया में एक्यूरेट पैदा नहीं हुआ है, कोई भी इस दुनिया में ऐसा नहीं आया है जो बिल्कुल मुकम्मल हो। ठीक है, सब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं। ठीक है, कुछ लोग हैं जो मुझे ये समझते हैं कि मैं जो हूँ अंदर जो हूँ मैं मर्द हूँ और ये मैं कवर करके आ गई हूँ और जो है मैं लड़की की आवाज़ में बोल रही हूँ। ऐसा नहीं है, मैं फीमेल ही हूँ। ठीक है, मेरी आईब्रोज अगर इस तरीके से हैं जस्ट बिकॉज कि मैं नहीं बनवाती हूँ, मुझे मेरे इस्लाम में मेरे अल्लाह ने मुझे इजाज़त नहीं दी है कि मैं इसको मेकआउट करूँ, इसको मेकओवर लूँ इसका, तो मुझे नहीं है। इवन हम अपने हस्बैंड के लिए भी ये सब नहीं करवा सकते, ये जायज़ नहीं है। तो बस इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें नहीं करती हूँ, और मेरे हस्बैंड को मैं ऐसे ही पसंद हूँ, तो इसलिए मुझे नीड नहीं है इस सब चीज़ों की। और रही बात कि मेरे मास्क लगाने पे, कि मैं मास्क लगा कर आती हूँ तो इसका रीज़न कोई ये नहीं है कि मैं अपना चेहरा छुपा रही हूँ। मैं सिर्फ इसलिए कवर कर रही हूँ क्योंकि मैं दुनिया के सामने अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती। दुनिया को मेरी आवाज़ चाहिए, मेरा चेहरा नहीं चाहिए। और अगर किसी को मेरा चेहरा चाहिए तो प्लीज़ आप लोग यहाँ से मूव ऑन हो सकते हैं।
आप लोग जा सकते हैं, मैंने किसी को यहाँ पे फोर्स नहीं किया है। मैं बस उन लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ जो वाकई में जेन्युइन हैं, जो लोग वाकई में जॉब के लिए सीरियस हैं, जो वाकई में दुबई में जॉब करना चाहते हैं, जिन्हें लगी है कि नहीं हमें अपना कोई लाइफ में हमारा गोल है, हमें वो अचीव करना है। मैं सिर्फ उन लोगों के लिए हूँ यहाँ पर। एक सिस्टर है मेरी, उन्होंने कल मुझसे ये चीज़ बोली है कि मुझे डाउट है, तो मैं उनको गलत नहीं कह रही हूँ, अच्छी बात है कि उन्होंने अपना डाउट क्लियर किया मुझसे कि हाँ आप हमें मेल लग रही हैं, बट उन्हें श्योरिटी नहीं थी। तो आज मैं इसीलिए सारी बातों की श्योरिटी लेकर आई हूँ। मुझे नहीं पता था कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे आऊँगी तो मुझे अपनी श्योरिटी देनी पड़ेगी कि मैं फीमेल हूँ, इस बात की भी मुझे श्योरिटी देनी पड़ेगी। सच में बुरा लगता है इसे। मैं आपकी सिर्फ हेल्प करना चाहती हूँ। सॉरी, बस ऐसे ही थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी, बट इट्स टोटली ओके। इट्स रियली आई डोंट वांट के मैं कोई यहाँ पे सिंपैथी गेम खेलूँ या कुछ, मैं ये सब नहीं चाहती। बट ऐसा कुछ आया मेरे सामने जो मुझे रियली मुझे हर्ट करा, जिसने बट इट्स ओके। मैं देखिए सिर्फ यहाँ पे आप लोगों की हेल्प करने आई हूँ, और अगर मैं ये नहीं कह रही कि मुझे इससे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, ऑफ कोर्स मिलेगा, मुझे भी फ़ायदा मिलेगा, थोड़ा फ़ायदा मुझे भी मिलेगा इससे कि मेरा YouTube चैनल चल जाएगा, एक मेरा भी सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगा, मुझे पता है इससे थोड़ा मेरा भी फ़ायदा है, बट मैं उसके साथ आप लोगों को भी फ़ायदा करा रही हूँ। मैं आप लोगों की भी हेल्प कर रही हूँ कि आप लोगों को भी अपने आप को चेंज करने का एक मौका मिले, कि आप लोग दुबई आ सकें और यहाँ पे एक अच्छी लाइफ अचीव कर सकें। सिर्फ यही एक मेरा मोटिव है। अगर उससे मुझे कुछ व्यूज़ मिल रहे हैं, अगर उससे कुछ मुझे सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं, उससे मेरा भी कुछ भला हो रहा है, तो उसमें मुझे नहीं लगता कहीं भी कोई चीज़ गलत है। क्योंकि हम मुस्लिम फैमिली में से बिलोंग करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसकी खुशी है कि मैं एक मुस्लिम फैमिली में हूँ। बट ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर रहकर हम कुछ कर नहीं सकते। हम अपने दायरे में रहकर भी बहुत कुछ कर सकते हैं। हम उन तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकते हैं जो लोगों की नीड है, जो वाकई में लोग चाहते हैं जानना, जो मैं कभी चाहा करती थी। बट अल्लाह का शुक्र है कि मुझे वो चीज़ मिल गई, मेरे हस्बैंड के थ्रू मुझे मिल गई, मेरे हस्बैंड के थ्रू मुझे यहाँ आने का मौका मिल गया, यहाँ जॉब सर्च करने का मौका मिल गया, जॉब करने का मौका मिल गया। बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे मैंने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं सारे अपने। तो बस यही है कि सबका करने वाला सब कुछ अल्लाह है, ठीक है, सबको सब कुछ रोज़ी देने वाला भी अल्लाह है। तो अगर मैंने एक ये सोर्स चुना है तो मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पे कोई गलत काम कर रही हूँ। और जिनको समझना है कि भाई इसमें मेल है फीमेल नहीं है, इट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू, और मैं इसको चेंज नहीं कर सकती, किसी की भी परसेप्शंस को मैं ख़राब नहीं कर सकती, वो उनका है, वो उनकी सोच है, मैं उसको बिल्कुल टोटली नहीं चेंज कर सकती। और ये बात भी आप लोग बोलेंगे कि ये यहाँ आकर क्यों बोल रही है अगर ऐसा है तो, बट यहाँ पे मैंने अपनी एक फैमिली क्रिएट करी है, और मैं मानती हूँ कि मैंने अपने बलबूते पे वो चीज़ करी है। मैंने जिन फैमिली को यहाँ पे क्रिएट करा है, 500 अल्हम्दुलिल्लाह 500 तक सब्सक्राइबर मैंने किए हैं, तो मैं उन फैमिली, वो जो मेरे ऊपर भरोसा रखते हैं, मैं उन तक हर एक बात उनसे करना चाहती हूँ, हर एक बात उन तक पहुँचाना चाहती हूँ, उनके साथ चलना चाहती हूँ। जस्ट बिकॉज उन्होंने भी मेरा उस वक्त साथ दिया जब मैं मैं परेशानी में थी, या मैं चीज़ों को लेकर, क्योंकि आज मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने YouTube क्यों स्टार्ट किया। मैंने YouTube सिर्फ इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि मेरी एक बेटी है, मुझे उसकी टेक केयर करनी है, मुझे उसका ध्यान रखना है, इसलिए मैंने अपनी जॉब छोड़ी, मैंने जॉब अपना हटा दिया, घर से मैं कोचिंग्स वगैरह लेने लगी। कोचिंग्स भी मुझे ज़्यादा नहीं मिलती हैं,
एक दो यार मेरे पास कोचिंग्स हैं वो मैं करने लगी। उसमें ये है, हर किसी को पता होगा यहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकते आप, हस्बैंड की सैलरी पे आप सरवाइव नहीं कर सकते। जो लोगों को लगता है कि बहुत है, बट जब यहाँ रहते हैं फैमिली के साथ वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि बच्चे का खर्चा है, मेरा खर्चा है, तो मैं अपने हस्बैंड पे बर्डन नहीं बनना चाहती। उनका साथ चाहिए था इसलिए मैं यहाँ आई थी, लेकिन मैं उन पर बर्डन नहीं बन सकती और उनका उनके साथ रहना है। इसीलिए मैंने सोचा कि ठीक है, अगर मुझे कोई ऐसे प्लेटफॉर्म पे मैं करके अगर कुछ अर्न कर सकती हूँ तो मैं वो करना स्टार्ट करती हूँ। तो इसीलिए बस मैं यूट्यूब पर आई कि मेरे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है इस टाइम, क्योंकि मैंने अपनी जॉब जस्ट बिकॉज मैंने अपनी डॉटर के लिए छोड़ दी है, क्योंकि मैं उसकी टेक केयर खुद करना चाहती हूँ। मैं किसी भी डे केयर में या किसी में नहीं देना चाहती उसको, क्योंकि मैं उसकी वही है, हर एक माँ ये चाहती होगी कि वो अपनी बेटी या बेटे की परवरिश खुद करे, उसकी टेक केयर खुद करे। तो वही मेरी सोच थी, इसीलिए मैंने सब चीज़ें छोड़कर उसको ऑप्ट किया कि नहीं, मुझे ये वाला ऑप्शन लेना है। तो बस मैं उन लोगों से ये बोलना चाहूँगी जो लोग ये बोल रहे हैं कि मास्क वास्क लगाकर आपको कोई व्यूज़ नहीं मिलेगा, ना मिले कोई मसला नहीं है। मेरी खुशी है कि मैं अगर किसी की हेल्प कर सकती हूँ, किसी की दुआएं ले सकती हूँ, मेरे लिए वो भी काफ़ी है, मैं उसमें भी खुश हूँ। लेकिन मैं ये चीज़ नहीं कर सकती, मैं मास्क नहीं हटा सकती, मैं अपनी आईब्रोज नहीं बनवा सकती। आईब्रोज की वजह से ही आप लोगों को लगता होगा कि हाँ ये लड़का है, मैं नहीं बनवाती, मुझे नहीं पसंद है ये चीज़। जब हमें ज़िंदगी ही अल्लाह ने दी है तो हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे ना, जो उस वो चाहता है हम वैसे ही चलेंगे ना। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुराई है। और आई नो जब मैंने YouTube शुरू किया था तो मुझे पता था कि ऐसे लोग भी मुझे कमेंट करेंगे जो एकदम तोड़ के रख देते हैं, जो एकदम एक इंसान को बिल्कुल हर तरीके से तोड़ देते हैं, ऐसे लोग मुझे मिलेंगे, मुझे पता था ये चीज़। बट वही है, मैं थोड़ी सी इमोशनल हूँ, हो जाती हूँ कई बार, लेकिन मैं फिर भी स्ट्रांग बना के सिर्फ अपनी फैमिली के लिए, अपने हस्बैंड के साथ के लिए, अपनी बेटी के अपनी बेटी की टेक केयर के लिए मुझे ये सारी चीज़ें करनी है, आगे बढ़ना है और मैं करूँगी, कोई नहीं, आई कैन डू, आई नो दैट। और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो मेरे मेरे फेस को देख के या मेरे हिजाब को देखकर या फिर मेरी आईब्रोज इन सब को देखकर नहीं आए हैं, वो जस्ट बिकॉज उनको मेरा यहाँ का सारा नॉलेज जो भी मैं उन्हें दे रही हूँ वो मैं भी पसंद आया हो, या जो भी उनको पसंद आया है वो कोई मेरे फेस को देख कर नहीं आया है। मैं जो बात बता रही हूँ वो उससे उस चीज़ से अट्रैक्ट हुए हैं जो मैं बातें यहाँ पे बता रही हूँ। और मैं बता भी सिर्फ इसी ले रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ की नॉलेज काफ़ी हद तक हो चुकी है, मैंने काफ़ी टाइम यहाँ पे स्पेंड किया है, इसीलिए मुझे यहाँ से रिलेटेड काफ़ी नॉलेज हो चुकी है। जो चीज़ मुझे समझ में नहीं आती है, कभी कभी आप लोग कुछ पूछते हैं कॉमेंट्स में, नहीं आता समझ में, मैं अपने हस्बैंड से पूछती हूँ क्योंकि उन्हें रहते हुए यहाँ पे 8 साल हो गए हैं तो उन्हें सब चीज़ें पता हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता, मैं उनसे पूछकर आपको बताती हूँ। बट आपका पॉइंट क्लियर करने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो बस अब मैं यहीं पर ही अपनी वीडियो को एंड करूँगी क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं अपनी दास्तान सुनाने बैठूँगी, क्योंकि हर किसी के लाइफ में होता है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, मेरी लाइफ में भी कभी अप्स भी थे, कभी डाउन्स भी हैं, अब तो वो चीज़ हर किसी की लाइफ में चलती है। बट फिर भी मैं आप लोगों को पूरी कोशिश करूंगी कि मैं हर एक इन्फॉर्मेशन दुबई से रिलेटेड प्योरली दे सकूं। इंशाल्लाह फिर कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ ज़रूर आऊंगी। जब तक के लिए दुआओं में याद रखिए।